बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर. आई एम सीइंग कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम इन विंटर्स एंड इट इज़ एब्सोल्यूट हेवन. एब्सोल्यूट. वी केम टू कश्मीर 4 years बैक, तब हम समर्स में आए थे. समर्स का अपना मज़ा है बट विंटर्स इज़ अ मस्ट विजिट. गंडोला राइड और जो यहाँ का व्यू है, इट इज़ मेस्मराइजिंग. वर्थ द विजिट. आई थिंक यूनिक एक्सपीरियंस. एग्जैक्टली. हाँ हाँ. इट इज़ टोटली लाइक यूरोपियन कंट्री. वी हैव बीन एवरीवेयर. सो मतलब इट इज़ सिमिलर टू दैट ओनली. वी हैव बीन टू स्विट्जरलैंड. वी हैव डन मैनी दिस गंडोला राइड्स देयर ऑल्सो. अच्छा हो गया काफ़ी मदद के बाद. हाँ, सबसे बड़ी बात है स्नोफॉल ने तो माहौल ही अलग कर दिया. या 100% दे मतलब विंटर्स में एक बार कश्मीर आना इज अ मस्ट विजिट. और जो जन्नत यहाँ पे देखा है, और गंडोला तो क्या बताऊँ इसके बारे में. मतलब स्विट्जरलैंड का गंडोला फेल है कश्मीर के गंडोला के सामने. इतना प्यारा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ. मेरे को लगता है सब लोग को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए ये सीजन क्या होता है कश्मीर का. शायद इसलिए जो ये फ्रेश स्नोफॉल हो गया, इसकी वजह से लोग खींचे चले आ रहे हैं. यस 100%. अच्छा हो गया हम लोग ने हमारा बुकिंग कैंसिल नहीं किया, नहीं तो हम लोग ये चीज कभी जन्नत ये फील ही नहीं कर पाते अगर यहाँ नहीं आते तो. लेकिन मैं अभी सोच के रखा हूँ कि साल में 2 बार तो कश्मीर आऊंगा, एक बार विंटर सीजन में और एक बार स्प्रिंग सीजन में. लोगों को आना चाहिए गंडोला राइड के लिए. 100% गंडोला तो करना ही चाहिए. ये नहीं किया तो क्या किया कश्मीर में आके.